नमस्कार दर्शकों, मैं तरुण शुक्ला आप सभी का आज की फाइनेंशियल बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलते हैं आज की हमारी पहली खबर की तरफ, जहां केंद्र ने हाल ही में खुले बाजार में अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की, जिससे गेहूं और गेहूं के आटों के रिटेल प्राइसेस में कमी आएगी। साथ ही आटा मिलों को अनाज थोक मूल्यों में नरमी के साथ दरों में कटौती करने को कहा। 25 जनवरी 2023 की तारीख में केंद्र ने अपने बफर स्टॉक से ओपन मार्केट में 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा की थी, जिससे वो गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में वृद्धि को चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI 20 लाख टन गेहूं की एडिशनल क्वांटिटी भी ओपन मार्केट में ऑफलोड करेगी। स्टॉक ई ऑक्शन के माध्यम से आटा मिलों, निजी व्यापारियों, थोक गेहूं उत्पादों के खरीदार विनिर्माताओं को बेचा जाएगा। अभी तक 50 लाख टन गेहूं OMSS के तहत ऑफलोड करने के लिए तय किया गया है। रिजर्व प्राइस में आती गिरावट और साथ ही 20 लाख टन की एडिशनल ऑफलोडिंग को देख के तो यही लगता है कि ये ग्राहकों के लिए वीट और वीट प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट जरूर लाएगा। फूड मिनिस्ट्री ने बताया है कि OMSS पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद गेहूं और आटे के दाम नीचे आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रमुख शहरों में गेहूं की औसत कीमतें 33.15 रुपए प्रति किलोग्राम रही, जबकि गेहूं के आटे की औसत कीमतें 37.63 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां SBI ने अमृत कलश डिपॉजिट FD स्कीम जारी करने की घोषणा की है। घरेलू और NRI कस्टमर्स के लिए SBI अमृत कलश डिपॉजिट FD स्कीम आकर्षक इंटरेस्ट रेट्स के साथ आती है। साथ ही इसका 400 दिनों का कार्यकाल होगा। SBI अमृत कलश FD योजना 7.10% इंटरेस्ट रेट प्रदान करती है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को FD पर 7.60% इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि अमृत कलश डिपॉजिट सीमित अवधि के लिए ही वैलिड है। बता दें FD का लाभ उठाने वाले ग्राहक 31 मार्च 2023 तक ऐसा कर सकते हैं। NRI रुपी टर्म डिपॉजिट सहित डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट्स, न्यू एंड रिन्यूएबल डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स और सिर्फ स्पेशल टर्म डिपॉजिट ही इस योजना के तहत एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं। टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली अंतराल में जमा करना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल टर्म डिपॉजिट्स सिर्फ मैच्योरिटी पर ही पेबल होंगे। TDS जमा करने के बाद ब्याज ग्राहकों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा और TDS की कटौती इनकम टैक्स एक्ट के आधार पर ही की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिख दिया है, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत कर दी है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ का लिंक। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI और ठीक वैसा ही सिंगापुर का पे नाउ को ज्वाइन कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस, फंड्स और पेमेंट्स का ट्रांसफर जल्दी और आसानी से किया जा सकेगा। क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स के लिए दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए भारत और सिंगापुर ने ये साझेदारी की है। UPI पे नाउ लिंकेज की मदद से अब इन दोनों ही देशों के यूजर्स अपने मोबाइल ऐप की मदद से कन्वीनियंट, सेफ, इंस्टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर फंड्स ट्रांसफर कर सकेंगे। अब भारत से सिंगापुर या सिंगापुर से भारत को बैंक अकाउंट्स या ई वॉलेट के फंड्स बस UPI ID मोबाइल नंबर या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी VPA का प्रयोग करके आसानी से ट्रांसफर किया जा सकेगा। ICICI बैंक इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों ही रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करेगा। साथ ही एक्सिस बैंक और DBS इंडिया सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंसेस को ही फैसिलिटेट करेगा। समय के साथ और भी बैंक्स को इंक्लूड करने का प्रावधान है। सिंगापुर के यूजर्स के लिए ये सर्विस DBS सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआती दौर में एक भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में 7,000 रुपए तक भेज सकता है। उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए लेन देन करते समय सिस्टम दोनों ही देशों की करेंसी में अमाउंट कैलकुलेट करके प्रदर्शित कर देगा। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली और आखिरी खबर की तरफ, जहां भारत सरकार ने 2 लाख कोऑपरेटिव्स को सेटअप करने का फैसला किया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने हर एक अनकवर्ड पंचायत में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, पैक्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरी कोऑपरेटिव्स को सेटअप करने का प्लान जारी किया है। पैक्स देश के शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के निचले स्तर का गठन करता है। साथ ही किसान सदस्यों को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट और अन्य इनपुट सर्विसेज जैसे सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।
आपको बता दें कि देश में 13 करोड़ के मेंबर बेस के साथ देश में 98,995 ऐसी सोसाइटीज हैं। बता दें कि अगले 5 वर्षों में 2,00,000 सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। सरकार ने बताया कि ये कदम किसानों की आय में वृद्धि लाने के साथ साथ उन्हें ग्राम स्तर पर ही क्रेडिट और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने में भी सहायता करेगा। इसके तहत जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिवाइव नहीं हो सकती हैं, उन्हें वाइंड अप करने के लिए उनकी पहचान की जाएगी और उसकी जगह पर नई प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित की जाएंगी, जिनकी मदद से वो 25 से ज्यादा बिजनेस करने में सक्षम होंगे, जिनमें डेयरी, फिशरी, सेटिंग अप ऑफ गोडाउन्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कॉमन सर्विस सेंटर्स और फेयर प्राइस शॉप्स शामिल हैं। प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसानों से मिल्क प्रोक्योरमेंट करना, मिल्क टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रदान करना, पशु चारा बिक्री करना और सदस्यों के लिए विस्तार सेवाएं प्रदान करने जैसे कार्यों में लगी हुई है। बता दें कि करीब 2,00,000 सोसाइटीज हैं, जिनमें 1.5 करोड़ के करीब मेंबर्स हैं। तो ये थी आज की हमारी खबरें। ऐसे ही और खबरों के साथ मैं तरुण शुक्ला आप सभी के सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 7408733337607655555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।